झारखंड में कभी भी चुनावी डुगडुगी बच सकती है। सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। वहीं रांची के सोहराय भवन में जेएमएम की बैठक है, जिसमें हेमंत सोरेन समेत पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का रांची दौरा प्रस्तावित है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन, कभी भी हो सकती है चुनाव की तारीखों की घोषणा। आचार संहिता लागू होने से पहले राजनीतिक दल रेस। सोमवार को रांची आएंगे बीजेपी के सह चुनावी प्रभारी हेमंता बसवा सरपा। बीजेपी जल्द जारी करेगी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। बीजेपी, आजसू, जेडीयू, एलजेपीआर का गठबंधन लगभग तय। सहयोगियों के लिए 10 से 12 सीटें छोड़ सकती है बीजेपी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जल्द होगी बैठक। सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दो प्रमुख बैठक है। पहली बैठक चुनावी प्रबंधन समिति की है, वहीं दूसरी बैठक सभी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ है। दोनों बैठक में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा मौजूद रहेंगे। सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। चुनावी डुगडुगी तो जब बजेगी तब बजेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण घोषित करके चुनावी डुगडुगी एक प्रकार से राज्य में बजा दी है, और राज्य सरकार सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके जिस तरीके से कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पीठ थपथपा रही थी, तो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पंच प्रण घोषित किए हैं, पूरे राज्य की जनता आज उसकी चर्चा कर रही है। सोमवार को जेएमएम केंद्रीय कमेटी की बैठक, सोहराय भवन में सुबह 11 बजे से होगी बैठक। हेमंत सोरेन पार्टी के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में बनेगी रणनीति। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। उधर जेएमएम की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। चुनाव में तो हम हमेशा तैयार हैं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी वातानुकूलित कमरों में बैठ के, रिसोर्ट में बैठ के मीटिंग करती है, वही उनकी चुनावी तैयारी है और वही दिखता है, पब्लिसिटी भी मिल जाती है। लेकिन हमारी तैयारी, हमारे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किए गए कार्य, वही हमारी तैयारी है। हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनहित के माध्यम से जन सेवा करते हुए राजनीति करना। एक परिवारवादी पार्टी अगर बैठक करेगी, चाहे वो विस्तारित कार्य समिति के नाम पर करे या जैसे भी करे, तो आखिर क्या करेगी? एक परिवार के मजबूती की चिंता करेगी, उससे ज़्यादा तो उसको कुछ नहीं करना है। राज्य की मजबूती की अगर चिंता करनी होती तो 5 साल पड़े हुए थे उनके पास, पूरी तरह से मजबूत सरकार थी उनके हाथ में, लेकिन क्या हुआ सबको पता है। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का रांची दौरा प्रस्तावित। गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के रांची दौरे को लेकर कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि जिस विषय को चुनकर उन्होंने रांची आने का फैसला लिया है, वह आज के दिन में काफी संवेदनशील है। झारखंड स्वागत करेगा उनका, अब संविधान सभा के लिए आ रहे हैं, वो संविधान सभा बोलेंगे, वो संविधान को कैसे बचाना है, संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, आरक्षण लिखा हुआ है, सब की रक्षा, संविधान की रक्षा से ही हो पाएगी, तो हम स्वागत करते हैं राहुल जी का। जो लोग संविधान से सुरक्षित हैं, जो उनसे प्रोटेक्टेड हैं, वैसे तमाम लोगों के साथ वो मिलना चाहते हैं, और एनजीओ के लोगों ने उनको बुलाने का प्रयास किया है, कुछ ऐसा ही है। त्योहार की खुमारी खत्म होते ही सोमवार से सियासी पार्टियां मिशन झारखंड में जुट जाएंगी। पार्टी के दफ्तरों में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहेगा। सीट शेयरिंग, प्रत्याशियों का चयन, चुनावी एजेंडों पर मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।